तो Redmi की Note सीरीज इंडिया में काफी पॉपुलर थी, लेकिन जब से Redmi वालों ने 12 सीरीज को लॉन्च करा है तब से लोगों के जज्बात बदल गए, बात बदल गए, समझ रहे हो? मतलब जितना लोग प्यार करते थे उतना हेट कर रहे हैं भाई 12 सीरीज को। और आज है हमारे पास Redmi का भाई Note 12 5G। और Flipkart पे मैं कस्टमर के रिव्यूज देख रहा था भाई, इस वाले फोन को इतना ज्यादा नेगेटिव रेटिंग मिला है कैमरे को लेके, बैटरी को लेके, परफॉर्मेंस को लेकर कि पूछो ही मत। अब देखो इस वाले फोन को आए हुए 8 महीने हो चुके हैं एंड आज के टाइम पे भी काफी लोग भाई इस वाले फोन को लेने की सोच रहे हैं। तो क्या ये फोन अभी के टाइम पे वर्थ है, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटर ब्रांड भी है भाई मार्केट में जो कि एक से एक स्मार्टफोन ला रखे हैं। खैर यहाँ पे सारी बातें करने वाले हैं, आपको इस वाले फोन में क्या अच्छा मिलता है, क्या खराब मिलता है, और क्या आपको ये वाला फोन अभी के टाइम पे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सभी कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, 500 लाइक का टारगेट सेट करते हैं, आई होप आप पूरा कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसका डिजाइन मेरे को काफी सही लगा भाई, सिंपल सा लुक देता है, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। हालांकि ये जो फोन है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, इस वाले फोन के बैक पैनल पे काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं, आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। फोन ज्यादा भारी नहीं है दोस्तों, इन हैंड फील फोन की अच्छी है, वन हैंड भी आप फोन को यूज कर पाओगे और बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी फोन की सॉलिड है, कहीं से मुड़ता नहीं है, दबता नहीं है, तो बिल्ड वगैरह के मामले में भी ये लोग अच्छा कर रहे हैं। और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करा कि अगर आप फिंगरप्रिंट पे अपना फिंगर प्रेस करते हो ना तो ये ओपन नहीं करता, ऐसा मतलब टच किया खुल गया वो वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा तब जाके फोन अनलॉक होता है। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर दिया हुआ है, अभी मैं आपको इसकी लाउडनेस सुनाता हूँ, तो चलो सुन लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे भाई स्पीकर इसका ब्लो एवरेज कहूंगा, मतलब उतना कोई खास लाउड नहीं है, लेकिन वॉइस में क्लियरिटी आपको मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे इसकी डिस्प्ले भाई साहब काफी तगड़ी दे रखी है, इसमें आपको एक फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज वाली एमुलेट डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले के कलर्स वगैरह एकदम चुम्बेश्वरी है दोस्तों, काफी अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले की काफी सही दे रखी है। हालांकि YouTube पे आप भाई फुल एचडी वीडियो से ऊपर प्ले नहीं कर पाओगे और ये लिमिटेशन प्रोसेसर की है। अब इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी काफी तगड़ी दे रखी है, आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी है, इजिली विजुअल हो जाता है हर सनलाइट में भी। इवन भाई इसका जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, ये भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, डे टू डे यूज में आपको कहीं पे भी जिटर वगैरह महसूस नहीं होता। मेरे को इसका डिस्प्ले टॉप अप नॉच लगा है भाई, काफी सही डिस्प्ले दे रखी है, तभी तो कहूं मैं कि Redmi वाले इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, डिस्प्ले के लिए ही ले रहे शायद। खैर इसकी बैटरी बैकअप वगैरह भी काफी तगड़ी है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो ना तो आपको एक से डेढ़ दिन का बैकअप ये फोन इजीली निकाल कर दे देगा और जीरो टू फुल चार्ज भाई 30-35 मिनट में ये फोन हो जाता है। अब देखो ओएस की बात करें ना, तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है और आपको MIUI 13 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे Redmi वालों ने प्रॉमिस करा है कि भाई हम आपको 2 साल का ओएस अपडेट भी देंगे, लेकिन भाई कौन अपडेट करेगा, क्या पता अपडेट कर दे, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, अपडेट किए Redmi का फोन अपडेट। मेरे को इसका UI वगैरह स्टेबल लगा है, कहीं पे भी मेरे को जिटर या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला है। हालांकि एक चीज जरूर कहूंगा कि इस वाले UI में भाई आपको कोई भी ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग वगैरह, एनिमेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता है। और इसका हैप्टिक मोटर वगैरह मेरे को काफी सही लगा है दोस्तों, टाइपिंग के टाइम एकदम स्मूथ सा फील होता है, तो काफी सही लगता है। अब इसकी कैमरास की बात करूं तो इससे मैंने फोटोज वगैरह ली थी, फोटोज के कलर्स वगैरह भाई आपको बहुत ही बेकार से देखने को मिलते हैं, डिटेलिंग वगैरह फोटोज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है दोस्तों। एंड लाइट कंट्रोल वगैरह भी एकदम थू वाली होती है, मतलब HDR में आप लेते हो तो कुछ हद तक भाई लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छी कर लेता है, लेकिन नॉर्मल मोड पे भाई फोटोज वगैरह उतनी कोई खास नहीं आती है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है इसमें, ये सही चीज किया है, लेकिन भाई फोटोज वगैरह अच्छी ले तो ना भाई, वहां पे भी डिटेलिंग वगैरह उतनी कोई खास नहीं होती है। और सेल्फी कैमरे से मैंने फोटोज ली थी, वहां पे भी फोटोज वगैरह उतनी कोई खास नहीं आते हैं, कलर्स वगैरह उतने आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ये वाला फोन फुल HD वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है रियर फ्रंट दोनों ही से, वीडियोस वगैरह आप यहां पे देख सकते हो, कलर्स वगैरह यहां पे भी आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं और डिटेलिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत मिसिंग होती है वीडियोस में। बट ओवरऑल भाई नॉर्मल यूजर को भाई ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वैसे देखा जाए तो कैमरा फोटोज अच्छी लेता है, लेकिन प्राइस को कंसीडर करते हुए मैं देखूं ना इसका कैमरा तो मेरे को उतना कोई खास नहीं लगा। यहां पे बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको Snapdragon 4Gen 1 का प्रोसेसर लगा हुआ मिलता है। मैंने इसकी अंतुतु स्कोर निकाली थी, 3 लाख के प्लस इसकी स्कोर निकल के आती है, इवन गीगाबेंच वगैरह पे भी काफी अच्छी स्कोर देखने को मिलती है और थ्रॉटल वगैरह भी ये वाला फोन नहीं करता है। अब देखो प्रोसेसर काफी स्टेबल है भाई, नॉर्मल यूजर्स पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है प्रोसेसर। COD वगैरह VGMI वगैरह प्ले करते हो तो आपको 40 FPS की गेम प्ले करा देगा और गेम प्ले के दौरान आपको कहीं पे भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इवन फोन हीटिंग वगैरह को काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, तो हीटिंग वगैरह का भी आपको कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग वगैरह अच्छी दे रखी है, इवन रैम मैनेजमेंट वगैरह भी काफी सही है दोस्तों, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है। और ये वाला फोन एक 5G डिवाइस है और इसमें आपको 7
5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें 5G पूरा दनादन चलता है दोस्तों, तो 5G नेटवर्क को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इवन 4G प्लस वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कॉलिंग वगैरह के दौरान कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा आपको, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। नॉइस कैंसिलेशन माइक भी दिया हुआ है, तो नॉइसी एरिया वगैरह में भी कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें गूगल डायलर दिया हुआ है, तो कॉल रिकॉर्ड वगैरह करोगे ना तो आंटी अनाउंसमेंट कर देगी, बस बात खत्म, पता चल जाएगा सबको कि कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ओवरऑल मैं आपको एक लाइन में कहूं तो फोन में चीजें अच्छी दे रखी है, लेकिन मैं आपको शुरू में कहा था ना कि Redmi का Note 12 सीरीज के साथ लोग उतना ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि भाई ये लोग इस बार भाई ओवर प्राइसिंग कर दी है तीनों सीरीज की। मतलब बेस वेरिएंट के लिए आपको 17,000 रुपया पे करना पड़ रहा है और 21,000 रुपया चली जाती है 8128 वाले की प्राइस। तो यहां पे भाई इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे भी बेटर स्मार्टफोन अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये वाला फोन आपको ऑफर वगैरह में 13-14,000 का मिल रहा है ना भाई, तो फोन अच्छा है, आप ले सकते हो, लेकिन 13-14,000 में मिलेगा हमको तो नहीं लगता। तो अभी के टाइम पे इस वाले फोन के लिए 17,000 रुपया पे करना वर्थ नहीं है दोस्तों, ऑफर वगैरह में और सेकंड हैंड वगैरह ले सकते हो इस वाले फोन को। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले फोन के बारे में, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।